हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो हमारे पास गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी जिम्नी, और अभी हमारे एक बहुत अजीज़ फ्रेंड ने ये गाड़ी ली है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है। टॉप मॉडल है, फुली लोडेड वाला जो ऑप्शन आता है वो वाली ये गाड़ी है, और बहुत अमेजिंग गाड़ी है, बहुत पोटेंशियल है इस गाड़ी में। मगर जो एक सबसे बड़ी कमी मारुति ने इस गाड़ी में छोड़ी है, सब लोग जानते हैं वो कमी क्या है, वो है इसके टायर्स। टायर्स इतने पतले हैं कि जैसे पिज़्ज़ा कटर होता है ना, एकदम वैसे, एकदम बारीक बारीक टायर है। ऐसा लगता है कोई बॉडी बिल्डर है जिसने ज़िंदगी में कभी लेग्स की एक्सरसाइज नहीं की हो। तो आज हम इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं टायर्स को चेंज कराने। एलॉयज हम लोग सेम वही रखेंगे जो कंपनी फिटेड आए हैं, बस हम टायर्स चेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है टायर्स के लिए इस गाड़ी के लिए मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे साइजेज हैं कि अगर हम ज़्यादा चौड़े या ज़्यादा ऊंचे टायर लगाते हैं तो वो कहीं टच तो नहीं होते, और मीटर एरर कितना आता है, स्टेयरिंग फीडबैक कैसा रहता है टायर्स चेंज कराने के बाद, और किन किन ब्रांड्स के, किन किन साइजेस के टायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, प्राइजेस वगैरह। तो देखिए, प्राइजेस का तो मैं एंड में बताऊँगा कि हमें कितने के पड़े, और जो हमारे जो स्टॉक टायर्स हैं वो कितने के बायबैक हुए, वो सब तो बाद में पता चलेगा, अभी तो हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारी वीडियोज़ इस गाड़ी की आएंगी कि हम लोग क्या क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे, और इस गाड़ी में हमारा सीएनजी लगाने का भी प्लान है क्योंकि इसकी एवरेज थोड़ी सी कम है और हम लोग मोस्टली इसे सिटी में ही यूज़ करेंगे। शौक वाली गाड़ी है, ये शौक में ली गई है, तो ऑफ रोडिंग का तो हमें इतना कोई शौक है नहीं, बट हाँ ट्रैवल वगैरह करते हैं हम लोग, बर्फ़ वगैरह में इधर उधर जाते हैं, मगर मोस्टली ये गाड़ी दिल्ली एनसीआर में यूज़ होगी और एवरेज कम है, ऑटोमेटिक है, इस वजह से भी थोड़ी और फर्क पड़ता है। तो सीएनजी भी हम इन फ्यूचर इसमें लगाएंगे, मगर एज इफ नाउ हम टायर्स के लिए जा रहे हैं। तो एक बार शॉप पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, साइड बाय साइड सारे टायर्स को कंपेयर भी करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि एंड में एक तो प्राइस का भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा, और साथ ही बता दूंगा कि कौन सा साइज हमारे लिए बेस्ट है अगर हम ज़्यादा हार्ड कोर ऑफ रोडर्स नहीं है या ज़्यादा हार्ड कोर हम मॉडिफिकेशन नहीं कराते, हमें बेसिक मॉडिफिकेशन चाहिए, गाड़ी हमारी डिसेंट लगनी चाहिए, तो क्या साइज़ बढ़िया है, स्टेयरिंग कितना भारी होता है या नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बीके टायर। आपने पहले भी मेरी जो टायर्स वाली वीडियो देखी है उनमें हमने यहीं से टायर डलाए हैं और मैं मोस्टली यहीं आता हूं। तो अभी तो ये लुक है गाड़ी का, देख सकते हैं पतले पतले टायर हैं, ये आप देख सकते हैं एकदम पतले सुखड़े सुखड़े से टायर हैं। अब देखते हैं हम कौन से इनमें टायर्स लगाते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिमनी के लिए, ये टायर्स का लाइनअप आप देख सकते हो, और ये भैया ने एक डेमो के लिए विद एलॉय लगा के दिखाया है कि अगर आप एलॉयज फिट कराते हैं विद टायर्स तो क्या लुक आएगा। और बहुत अमेजिंग लुक आ रहा है, कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, मगर आप लाइव आंखों से जब देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग, मतलब जिमनी का जो पूरा स्टांस है वो ही बदल गया। अभी तो जैक पे है, स्टिल इतनी स्मार्ट लग रही है। तो भैया से एक बार पूछ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये स्टॉक रिम है और ये स्टॉक टायर है, उसके बाद भैया से पूछ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो ये हमारे जितेश भैया, बचपन से हम इनसे टायर ले रहे हैं, बचपन से। तो सारी ऑप्शन हैं हमारे पास, ऑफ रोड कैटेगरी के भी है, ऑन रोड के भी है, ब्रॉड भी है, कम ब्रॉड भी चाहिए वो भी है ऑप्शन। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या है कि बंदे को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और गाड़ी स्मूथ चले, ज़्यादा स्टेयरिंग अगर एलॉय चेंज नहीं करने हैं तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो 235/70/50 है, जो योकोहामा का आता है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइप ब्रॉड भी लगता है और कुछ टच भी नहीं करता, और क्योंकि इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी डाउन है, हाँ डाउन, अगर हम ये लगा देंगे 235/75/15 तो इसमें ब्रॉडनेस तो आ जाएगी, हैवी लुक भी आ जाएगी, लेकिन ऑफ रोडिंग में थोड़ा बहुत टच करना शुरू हो जाएगा, ये फेंडर्स में और इधर आगे पीछे कहीं कहीं टच होगा, ये आगे बम्पर पे जो सामने फ्लैप लगा हुआ है उस पर टच करता है और बम्पर पे भी टच करता है। और आप फ्यूचर में कभी एलॉय पे अपग्रेड करते हैं, दूसरा कोई एलॉय लगाते हैं तो उसमें फिर ज्यादा टच करेगा और आपको लिफ्ट कराने की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, अगर लिफ्ट नहीं कराना तो ये ऑप्शन अच्छा है, लिफ्ट नहीं कराना तो इससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको ब्रॉड लुक चाहिए और कम्फर्टेबल राइड क्वालिटी चाहिए तो इससे अच्छा कोई टायर नहीं है। नहीं तो सेकंड बेस्ट पर ये अपोलो का टायर है, इसमें व्हाइट लाइटिंग भी है जो ये लगा हुआ है, हाँ इसमें है व्हाइट लाइटर, थोड़ा सा खूबसूरत लगता है लगा हुआ, हाँ ये, और इसमें व्हाइट लाइटिंग नहीं आएगी, और बाकी किसी को हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तो रेडार लगा, इसको ऑफ रोड करनी है ये रेडार का हो गया, या इससे गाड़ी को लिफ्ट कराने के बाद फिर हमारे पास और ऑप्शन खुल जाते हैं, हम 16-17 इंच तक भी अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन का भी खुल जाते हैं फिर। तो अभी हम फिलहाल
ये टायर और ये टायर अपने स्टॉक रिम्स में लगा के दिखाएंगे क्या समझ आता है। अभी ये है एकदम पतले से टायर हैं, ये थोड़ा सा बेटर है 215 है, मगर ये भी पतले में ही हम गिनेंगे। ये 225 है, ये 235 है, ये भी 235 है, ये भी 215 है, ठीक है। बाकी अभी स्टॉक जो रिम्स हैं हमारे, अभी हमारा एलॉय लगाने का कोई इरादा नहीं है, बाकी देखते हैं क्या बजट बैठता है। फिलहाल स्टॉक रिम्स के साथ हम जा रहे हैं, अभी टायर्स रख के आ रहे हैं, फिर देखते हैं गाड़ी का क्या लुक आ रहा है और फाइनल मैं आपको बताऊंगा कि क्या गाड़ी का फीडबैक आ रहा है स्टेयरिंग वेयरिंग का अलॉयज एंड टायर्स लगने के बाद। तो इस टाइम जो हमने इस साइड टायर फिट कराया है, यह है 235/70R15 योकोहामा जियोलैंडर, और टायर बड़ा है इस वजह से जो व्हील आर्च है हमारा वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। साइड वॉल इसका ऊंचा है, मगर जो हमारा रिम है ना वो 5.5 इंच चौड़ा है, तो विड्थ ज़्यादा निकल के आ नहीं पा रही टायर की, जबकि ये 235 है और इस तरफ आ जाए तो ये 225 है अपोलो एप्टेरा, और ये 225/70R15 है। सेम स्टोरी इसके साथ भी है, यही सेम टायर उस अलॉय में लगा हुआ है जो ये रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी वाइड लुक आ रही है। कैमरा में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मगर अगर लाइव आंखों से देखोगे तो बहुत चौड़ा लग रहा है और बहुत स्मार्ट भी लग रहा है, जबकि इससे छोटा है ये टायर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, क्योंकि इसकी वॉल 75 है और इसकी 70 है, तो डायमीटर में ये छोटा है, मगर स्टिल बहुत स्मार्ट लग रहा है बिकॉज वाइट लेटरिंग भी है, तो जो टायर की लुक है बहुत ज़्यादा पॉप हो रही है। तो देखो मेरे को जो पर्सनली पसंद आ रहा है वो ये टायर है विद एलॉयज, मगर अगर हम स्टॉक एलॉयज के साथ जा रहे हैं तो ये टायर आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वाइड लग रहा है और एक फुलर लुक देगा, व्हील आर्च आपका खाली खाली नहीं लगेगा। बाकी ये टायर भी बहुत स्मार्ट है, अगर आप थोड़ा सा विड्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, 10 mm का ही फ़र्क है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और इस टायर के साथ एक बात और है कि अगर आप ये टायर लगाते हो तो इसका जो पूरा डायमीटर है गाड़ी के टायर का वो स्टॉक जितना ही रहेगा, तो आपका मीटर एरर बहुत कम आएगा, बहुत ही कम, ना के बराबर। हाँ, और अगर आप योकोहामा लगाते हैं तो आपको 2 किलोमीटर का मीटर एरर आएगा, अगर आपका गाड़ी दिखा रही है 100 मीटर पे तो आपकी गाड़ी चल रही होगी 102, तो 2 किलोमीटर का आपको 100 पे मीटर एरर शो होगा। तो अब डिसाइड करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं ये झुक झुक के जो देख रहे हैं ये थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि विद एलॉयज लगाएं या स्टॉक एलॉयज ही रहने, क्योंकि एलॉयज के साथ लगाते हैं तो बजट हमारा पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो लेट्स सी क्या डिसीजन रहता है। सो फाइनली बहुत सारी डिस्कशंस के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब खर्चा हो ही रहा है तो थोड़ा और सही, तो हमने एलॉयज भी चेंज करा लिए हैं। तो जो एलॉयज लगाए हैं हमने वो JTI के हैं, 15/8J, और अप्टेरा के टायर लगाए हैं वाइट लेटर वाले। अभी ये इसको ब्लू ब्लू को धो देंगे तो ये पूरा वाइट लुक आ जाएगा। बीच का कैप भी इसमें लगेगा, उसमें हमने सुजुकी का लोगो लगा दिया है ताकि बहुत बढ़िया लुक आए गाड़ी का। तो आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग लुक आ रहा है। देखिए कैमरे से हम कभी जस्टिस नहीं ले पाएंगे कि गाड़ी का लुक क्या आ रहा है, बट सामने अगर आप देखेंगे तो गाड़ी का लुक बहुत अमेजिंग आ रहा है। विड्थ गाड़ी की बहुत अच्छी लग रही है, वो जो पहले बच्ची जैसी लगती थी ना गाड़ी, वो बिल्कुल नहीं लग रही, बहुत अमेजिंग लुक आ रहा है। अभी ये इसके जो ब्लू इस पर कोटिंग हुई होती है उसको हटा देंगे तो वाइट लुक आ जाएगी, फिर गाड़ी हम चलाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। रोड प्रेजेंस तो बट ऑब्वियसली इसकी अच्छी हो ही जाएगी अब। सो गाड़ी अब हो गई है एकदम रेडी, और बीच में हमने लगा दिया है सुजुकी का लोगो। एप्टेरा देख रहे हैं आप, वाइट लेटरिंग बहुत अच्छा पॉप कर रही है, बाहर एकदम बेहतरीन लुक दे रही है। अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर मैं ड्राइव करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि स्टेयरिंग भारी हुआ है कि नहीं हुआ है और बाउंसीनेस गाड़ी में बड़ी है कि नहीं बड़ी है। वैसे तो जिमनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल भी इसमें बाउंसीनेस नहीं है, स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव करके फिर आपको एक छोटा सा फीडबैक देता हूँ, प्राइस वगैरह भी शेयर करता हूँ। सो एलॉय व्हील्स और टायर हमने बदलवा लिए, फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया एलॉयज और टायर दोनों ही बदलवा देते हैं, खर्चा हो रहा है एक ही बार हो जाए। तो अब मैं बताता हूँ कि गाड़ी के परफॉर्मेंस में और उसमें क्या फ़र्क आया। देखिए गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले पतले टायर थे तो गाड़ी ऐसा होता था कि सड़क छोड़ रही है। अभी मैंने गाड़ी को भगाया 100, 110, 120 तक मैंने भगाया, कटिंग वटिंग खूब करी, मैं सजेशन नहीं दूंगा किसी को कि ऐसे करें, मगर गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रही थी, ऐसा लग रहा था हाँ सड़क से चिपक के चल रही है और मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। स्टेयरिंग में हल्का सा वेट बढ़ा है, स्टेयरिंग में हल्का सा भारीपन आया है, ऑफ रोडिंग के लिए
वो एक अच्छी बात है और हाईवे के लिए ये एक अच्छी बात है, मगर जैसे गलियों में आपको चलाना है, बार बार रिवर्स करना है, आगे करना है, थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जहां तक की बात है कि टच हो रहा है इधर उधर, तो कहीं टच नहीं हो रहा, क्योंकि जो इस टायर के साइज का डायमीटर है वो सेम वही है जो कि स्टॉक टायर का है। बस हाँ थोड़ी सी विड्थ ज्यादा है, थोड़ा सा बाहर आ गया क्योंकि रिम का ऑफसेट अलग है, रिम थोड़ा बाहर की तरफ है, मगर हाँ गाड़ी का लुक बहुत अमेजिंग हो गया है। कंपनी अगर इसका 19 भी करके दे देती ना, तो किसी को भी टायर्स चेंज कराने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी का रिस्पांस बहुत अमेजिंग हो गया है। अगर आपके पास है जिमनी तो आप ये टायर, मैं बोलूँगा रिकमेंड करूँगा कि आप ये टायर साइज लगाओ, तो आपकी गाड़ी टेंशन फ्री चलेगी। कोई आपको, मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत भी इसमें मीटर एरर आया होगा या एवरेज का, मेरे को लगता है हल्का फर्क पड़ेगा क्योंकि गाड़ी के जो रिम और टायरों का वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये है। और जहाँ तक की बात है प्राइसिंग की, तो देखिए प्राइजेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, किसी वेंडर पे आपको ज़्यादा मिलेंगे किसी पे कम मिलेंगे, वो वेरी कर सकते हैं शॉप टू शॉप। तो अभी जो हमें प्राइस पड़ा है, जो ओवरऑल पैकेज था, वो था 90,000 का विद रिम्स, 5 रिम्स एंड 5 टायर्स, ठीक है। और जो हमारे स्टॉक रिम्स और टायर्स गए हैं वो गए हैं 30,000 में, मतलब रिम और टायर और पांचों सेट वो हमारे गए 30,000 में, तो हमें ऊपर से 60,000 और देने पड़े। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अभी जब मैं गाड़ी लेके निकला था तो जब वो हवा भरते हैं, जब टायर को रिम पे चढ़ाते तो ज़्यादा हवा भरते हैं, तो जब मैं गाड़ी को लेके निकला तो गाड़ी बहुत ज़्यादा उछल रही थी, बहुत बाउंसीनेस आ रहा था गाड़ी में। तो मैं पंप पे गया, मैंने पंप में जाके इसका एयर प्रेशर ठीक कराया, सारे टायरों में 32 कराया, उसके बाद गाड़ी बहुत स्टेबल, स्मूथ, सॉफ्ट, सटल, एकदम मतलब कंपोज राइट क्वालिटी है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अलग कर दिया मैंने गाड़ी में। बस हाँ स्टेयरिंग में हल्का सा वेट बढ़ गया है टू बी वेरी क्लियर। तो अगर आपके बाहें मजबूत हैं तो आप ये करें, एलॉयज वगैरह लगाएं, अगर आप नाजुक हैं तो एलॉयज वगैरह ना लगाएं, जो लगा हुआ है वैसे ही लगा रहने और गाड़ी को वैसे चलाएं। बाकी रेट्स के लिए और कोई इंक्वायरी करनी हो तो जिन भैया की हम शॉप पे गए थे उनका नंबर और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सब कुछ, आप उनसे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो, जो भी प्राइस ऊपर नीचे होते हैं वो आप उनसे खुद डिस्कस कर सकते हो। बाकी हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, गाड़ी का लुक इम्प्रूव हो गया, हैंडलिंग इम्प्रूव हो गई, मेन तो लुक ही था क्योंकि बहुत पतले पतले टायर थे। तो एवरेज पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, एवरेज कम होती है ज़्यादा होती है तो लॉन्ग रन में पता चलेगा जब हम इसे चलाएंगे, हाईवे पे लेके जाएंगे, लंबी ड्राइव्स पे लेके जाएंगे, इतना कोई मेजर मुझे लगता नहीं है फ़र्क पड़ेगा। बाकी थोड़ा बहुत तो देखिए, अगर आपको लुक्स अच्छे चाहिए तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तो खैर ये तो हो गई हमारी तरफ से कि हमने जिमनी में आज अलॉयज लगाए, अभी और भी इसमें धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। आज हमारा बजट पूरा हिल गया, हम सिर्फ टायर डलाने गए थे, हमने रिम्स भी डला के आ गए, तो धीरे धीरे इसमें और भी मॉडिफिकेशंस करेंगे, उसकी भी वीडियोस बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जब सीएनजी लगाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिर सीएनजी पे हम ट्रिप्स मारेंगे, गाड़ी का क्या पोटेंशियल रहता है, गाड़ी में दम रहता है नहीं रहता, क्योंकि ऑटोमेटिक भी है, 4x4 भी है, 4x4 हम यूज़ कर पाते नहीं कर पाते सीएनजी पे, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सीएनजी से रिलेटेड अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए या कोई इंक्वायरी है आपकी, तो मुझे व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।